चेयरमैन आईपीएल ऑक्शन के बाद यहां पर इन टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, ये टीमें बनेगी सबसे खतरनाक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2023 के ऑक्शन के बाद यहां पर महिलाओं की सभी टीमें पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं, जहां पर आईपीएल 2023 में टोटल वुमेन्स की 5 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन कौन सी टीमें यहाँ पर हिस्सा ले रही है, साथ ही हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर किन किन खिलाड़ियों को टीमों ने रिलीज़ किया है और कौन कौन से खिलाड़ी यहाँ पर टीम में शामिल रहेंगे, इसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो का आखिर तक, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि यहाँ पर आपकी फेवरेट टीम आईपीएल 2023 में शानदार जीत दर्ज करे, तो दोस्तों हम बात करें यहाँ पर वुमेन आईपीएल 2023 के बारे में, तो इस बार टोटल 5 टीमें हिस्सा ले रही है, जहाँ पर टीमों में टोटल 18 खिलाड़ियों को रिलीज़ किया गया, यानी कि एक टीम में टोटल 18 खिलाड़ी होंगे, जिसमें से 8 प्लेयर्स विदेशी रहने वाले हैं तो 10 प्लेयर्स स्वदेशी रहेंगे, यानी कि यहाँ पर 10 खिलाड़ी जो रहेंगे वो भारतीय रहने वाले हैं, तो इसके अलावा 8 खिलाड़ी जो विदेश से रिटर्न किए जाएंगे। वहीं पर दोस्तों हम बात करें इसके अलावा सभी जोन्स के बारे में, आखिरकार ये 20 मुकाबले जो होने वाले हैं ये कहाँ कहाँ पर खेले जाएंगे, तो दोस्तों ये मुकाबले खेले जाएंगे 6 जोन पर, यानी कि यहाँ पर इंदौर, रांची, राजकोट, विशाखापट्टनम, धर्मशाला और गुवाहाटी में ये मुकाबले खेले जाने हैं। तो वहीं पर इसके अलावा अब हम बात करें यहाँ पर अब तक आईपीएल जीतने वाली सभी टीमों के बारे में, आखिरकार कौन सी टीम अब तक सबसे खतरनाक फॉर्म में दिखी है। तो दोस्तों, अब तक सुपरनोवा की टीम ने आईपीएल के टोटल 3 खिताब जीत लिए, जिसमें से सुपरनोवा की टीम ने 2018, 2019 और 2022 में ये टीम विनर रही थी। तो वहीं पर ट्रेल ब्लेजर्स की टीम जो कि 2020 की विनर टीम रही थी, दोनों ही टीमें काफ़ी शानदार फॉर्म में थी। तो इसके अलावा वेग भी इस टीम इस बार हिस्सा ले रही है, यानी कि यहाँ पर वेग की टीम वो इस बार शामिल होने वाली है। हम बात करें यहाँ पर सभी टीमों के बारे में, आखिरकार कौन सी टीमों के कप्तान कौन है और कौन कौन से खिलाड़ी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम यहाँ पर सुपरनोवा की टीम के बारे में, तो सुपरनोवा की टीम इस बार काफ़ी खतरनाक फॉर्म में, इस टीम ने कई शानदार खिलाड़ियों को रिलीज़ कर लिया और कमाल का परफॉर्मेंस इस बार ये टीम करती हुई दिखेगी। हम बात करें इस टीम के कोच के बारे में, तो यहाँ पर इस टीम के कोच रहेंगे इस बार नुसीन अल खरी, तो इसके अलावा कप्तान रहने वाली है यहाँ पर हरमनप्रीत कौर। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर सभी खिलाड़ियों के बारे में, तो यहाँ पर इस टीम में शामिल रहेंगे हरमनप्रीत कौर, तो इनके अलावा यहाँ पर शामिल रहेगी तानिया भाटिया, डियांट्रा डोटिन, साथ ही साथ हरलिन भी टीम का हिस्सा है। तो वहीं पर मुस्कान मलिक, प्रिया पोनिया, अलाना राजा, आयुषी सोनी, सुन्ने लूस, चंदू वी, मानसी जोशी, मेघना सिंह, मोनिका पटेल, पूजा वास्त्राकार, राशि कनौजिया और सोपी एलेक्सटोन भी टीम में शामिल है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी शानदार फॉर्म में ये टीम है और कमाल का परफॉर्मेंस इस बार करने वाली है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर ट्रेल ब्लेजर्स की टीम के बारे में, जो कि 2020 की विनर टीम रही थी। इस बार इस टीम के कोच हैं सुनेत्रा प्रांजपे, तो कप्तान रहेंगे यहाँ पर समृद्धि मंदाना। इसके अलावा सभी खिलाड़ियों की हम बात करें तो टीम ने शानदार खिलाड़ियों को मौका दिया है, जहाँ पर समृद्धि मंदाना के साथ साथ पूनम यादव, हेली मैथ्यूज भी टीम में शामिल है। तो वहीं पर जेमिमा बी को भी टीम ने रिटर्न कर लिया है। तो वहीं पर इसके अलावा साइका इसाक भी टीम में शामिल है। तो वहीं पर शर्मिन एक्टर, इसके अलावा एस मेघना, सोफिया डेंकले, सलमात खातून भी टीम में शामिल है। तो वहीं पर रिचा घोष जो कि शानदार विकेट कीपर है, इनको भी टीम में शामिल किया गया है। तो वहीं पर अरुंधती रेड्डी भी टीम में शामिल है। प्रियंका प्रियदर्शनी भी टीम का हिस्सा है। तो वहीं पर राजेश्वरी गायकवाड़ को भी टीम में रिटर्न कर लिया है। तो वहीं पर रेणुका सिंह, एस बी पोखरकर और सुजाता मलिक भी टीम में शामिल है, यानी कि कमाल की फॉर्म में ये टीम भी मैदान पर उतरेगी। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर वेग की टीम के बारे में, तो दोस्तों वेग की टीम के कोच हैं देविका पलसीकर, इसके अलावा कप्तान दीप्ति शर्मा है। इसके अलावा सभी खिलाड़ियों की हम बात करें तो यहाँ पर इस टीम में भी शानदार खिलाड़ी मौजूद है, कप्तान दीप्ति शर्मा है। तो इनके अलावा स्नेहा राणा, के पी एन वेगिरे, साथ ही साथ लोरा को भी टीम में शामिल किया गया है। तो वहीं पर नथाकन चाथम भी टीम में शामिल है। शेफाली वर्मा जैसी खतरनाक खिलाड़ी को भी टीम में शामिल कर लिया गया है। तो इसके अलावा शिवाली सिंधे, यस्तिका भाटिया, आरती केदार,
अयाबोगा खाका, साथ ही साथ कैथरीन क्रॉस, कीर्ति जेम्स, माया सोनवेणे, प्रवीणी चंद्रा, राधा यादव और सिमरन बहादुर को टीम में रिटर्न कर लिया गया है। यानी कि यहाँ पर अब तक तीन टीमें फिक्स हो चुकी है और इनके खिलाड़ी भी फिक्स हो चुके हैं, लेकिन अब दो नई टीमें कौन सी रहने वाली है ये तो ऑक्शन के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों ऑक्शन के बाद हम आपको बता देंगे कि आखिरकार कौन कौन सी टीमें यहाँ पर आईपीएल 2023 में हिस्सा लेगी। वैसे आपके हिसाब से कौन सी टीम इस बार आईपीएल 2023 की विनर टीम रहेगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।